सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सारे और आपके परिंदे कैसे हैं? आप कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइएगा। और आपकी दुआओं से आपका भाई भी ठीक है और आपके भाई के परिंदे भी ठीक हैं। तो भाई, आप इतना सारा प्यार दे रहे हो मेरे वीडियो के, उसके लिए तहे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। तो आपका भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। मेरे कई सारे भाइयों, मेरे कई सारे मेरे सब्सक्राइबरों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि भाई हमें ये बताइए कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी गर्मियाँ होने लगी है, ये तो गर्मी का स्टार्ट है, आने वाले टाइम में तो काफ़ी पीक पर रहेगी गर्मी, तो क्या हमें इस गर्मी के अंदर भी हमें भम ब्रीड ले सकते हैं या लेनी चाहिए? तो यही टॉपिक रहेगा कि क्या हम गर्मी के अंदर ब्रीड ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसे परिंदे हैं जो हम ले सकते हैं ब्रीड, अगर लेने चाहिए तो उसके कैसे कैसे लें हम, उसके लेने का ब्रीड लेने का तरीका क्या रहेगा, और अगर नहीं लेनी चाहिए तो हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर मैं करूँगा, आपका भाई भारत क्लियर करेगा सारे डाउट, क्योंकि भाई 3-4 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटे का आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका भाई भारत ऐसी धमाकेदार मस्त मस्त वीडियो लेके आता रहता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात आती है कि हमें गर्मियों के अंदर ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप गर्मियों में ब्रीड ना ही लें तो ही बेस्ट है, क्योंकि इसके रीज़न है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखिए गर्मियों के अगर मान लो जैसे कि हमने ऊपर अपना सेटअप बना रखा है, रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर बना रखा है, तो सनलाइट है वो डायरेक्ट हमारे जो कॉलोनी है और केज है उसके ऊपर पड़ती है, और जो उसका टेम्परेचर है कॉलोनी का वो काफ़ी हाई हो जाता है। ऑलरेडी जो हमारे बजीज़ हैं, जो हमारे परिंदे हैं, वो काफ़ी गर्मी के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और वो इस हालत में होते नहीं हैं कि वो ब्रीड ले पाए। हालांकि अगर आप अब मटकियाँ लगा दोगे, मटकियाँ लगी रखे रहने दोगे तो वो ब्रीड लेंगे, ब्रीड जरूर करेंगे, लेकिन उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उनके जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, और वो जो उनकी हेल्थ रहेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, और जो उनके मरने की संख्या है वो 90% हो जाएगी। 10% ही बच्चे हैं वो बचेंगे आपके, लेकिन जो बचेंगे उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसका कारण यही है कि काफ़ी गर्मी होती है, ना अच्छे तरीके से खा भी नहीं पाते हैं और ना अच्छे तरीके से फीड कर पाते हैं। सबसे पहले तो जो एग है वही फर्टाइल हो भी जाएंगे तो उसके अंदर डेड इन शेल की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण जो उसका शेल है वो काफ़ी सख्त हो जाता है, जिसके कारण जो उसके अंदर बच्चा होता है वो उसे फोल्ड नहीं पाता है। तो ये तो हो गया भाई, मैं तो आपको भाई यही रह दूंगा कि भाई आप गर्मियों में तो आप जो ब्रीडिंग है वो स्किप कर दें, क्योंकि ये अप्रैल का जो लास्ट का महीना होता है इसके अंदर सारे जो बजीज हैं हमारी उसकी जो लास्ट क्लच है वो आ रही होती है, यानी कि जो मई का जब 15 तारीख तक उनकी जो बच्चे सारे हैच हो जाते हैं, उसके बाद आप जो ब्रीड है वो रुकवा दीजिए, और जो नेक्स्ट जो ब्रीड स्टार्ट होगी वो जुलाई के लास्ट में आप मटके लगा दीजिएगा। अब बात ये तो बात होगी ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, जो आप बात करेंगे कि अगर आपको ब्रीड लेनी है तो कैसे लें और कौन कौन लोग ले सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं ले सकते। पहली बात तो जो लोग नहीं ले सकते वो हैं जो कंटिन्यू 3 से 4 जो क्लच हैं वो ले चुके हैं ऑलरेडी, जो लास्ट जो आपका ब्रीडिंग सीजन गया है उसके अंदर जो 3 से 4 क्लच ले चुके हैं, भाई आप ब्रीड मत लें, क्योंकि अगर लगातार ब्रीड करने से जो हमारे परिंदे होते हैं उनकी हेल्थ पे काफ़ी फर्क पड़ता है, वीकनेस आ जाती है, तो उनको 2-3 महीने का रेस्ट आपको देना ही पड़ेगा आपको, तभी वो नेक्स्ट जो क्लच आएगी वो आपकी बेहतरीन क्लच होगी। तो भाई अगर जो कंटिन्यू ब्रीड ले रहे हैं वो तो आप ब्रीड आप रुकवा ही दीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। आप ब्रीड कौन ले सकते हैं, सबसे पहले तो हमें जो उनका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, जिन लोगों ने अपने जो ब्रीडिंग जो केज है वो अपने घर में यानी कि छत पे नहीं यानी कि घर में रख रखे हैं, आप जो छोटा केज है 8-10 पेयर रखे हुए हैं नीचे, यानी कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो घर के अंदर वो काफ़ी नॉर्मल होता है, जो उसके अकॉर्डिंग जो छत पे होता है, तो अगर आपको ब्रीड लेनी है तो सबसे पहले आपको सेटअप आपका अंदर घर के अंदर बनाना पड़ेगा। 2-4-5 पेयर हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी,
तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपको बिल्ड लेनी है तो सेटअप को आप घर में बनाइए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बेस्ट होता है और गर्मी गर्मी उनको लगती नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि अगर आप, और सबसे पहली बात है, हाँ अगर आपको, आप लाए हुए जो आपके परिंदे लाए हुए 2-3 महीने हुए हैं या फिर अभी आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं करी है, तो आप भले ही 1-2 क्लच उनसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो उनकी जो वो ऑलरेडी 2-3 महीने का रेस्ट ले चुके होते हैं या फिर नई जो नई पट्टे होते हैं उनको तो ऑलरेडी रेस्ट मिल चुका होता है, तो आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि भाई आपको गर्मी के घर में टेम्परेचर अच्छा रखना है। और हाँ एक बात और है, चाहे आप छत पे रखें चाहे आप नीचे रखें, आपको कूलर कूलर पानी वाला कूलर आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि वो आप देख रहे होंगे मेरी कॉलोनी के अंदर मैंने इसमें कूलर लगा लगा दिया है काफ़ी पहले, 15-20 दिन हो गए मेरे को पानी कंटिन्यू। ये मेरा कूलर आप भाई सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, यानी कि 12 घंटे मैं कूलर कंटिन्यू चलाता हूँ। इसके अंदर एक आध बार खराब सीजन में मेरा एक आध कूलर खराब भी हो जाता है, किट भी फूक जाती है इसकी, पर मैं ये वाली ये ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, मैं तो अपने बजीज को प्रेफर करता हूँ। तो मैं 12 घंटे मैं कूलर चला रखता हूँ, 2 बार पानी चेंज करता हूँ उसका, और जो उनका टेम्परेचर अंदर काफ़ी ठंडा होता है तभी मैं अपनी जो लास्ट क्लच है ये मैं अच्छे से ले पा रहा हूँ। तो आने वाली वीडियो मेरी ब्रीडिंग प्रोसेस पर रहेगी कि लास्ट क्लच मेरी कैसी आई है, तो वो वाली मैं वीडियो आपके पास शेयर करूँगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक तो यो हो गई कि जो कमरे में रख रहे हैं वो ब्रीड ले सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कुछ भी कहें कैसे भी, आपने बहुत सारी वीडियो देखी हो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर, अगर आपका सेटअप छत के ऊपर है तो आप ब्रीड ना लें, अगर आपका सेटअप घर के अंदर बना हुआ है तो आप ब्रीड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ेगा भाई। कूलर लगा के रखिए आप, टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो ऑटोमेटिक ब्रीड अच्छी देंगे वो। तो ये हो गया। तो एक जैसे कि हम अभी अभी हम जो बजीज पैरट लेके आए हैं, क्लच उनकी ली ही नहीं है या फिर उन्होंने एक बार भी ब्रीड नहीं करी है, तो ये हो गया, तो वो ब्रीड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ब्रीड लेनी है तो खाने में आपको नॉर्मल कांगनी दाना देना है आपको, कोई ज़्यादा कोई अलग से कोई शीड एक्स्ट्रा ना दें क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ चुकी है। और हाँ एक आप सब्ज़ी के अंदर जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, आप काट के एज ए सलाद टाइप में काट के आप उसे रख सकते हैं, गर्मी में काफ़ी उनका जो पानी का कमी है वो पूरा करता है। और जो पालक बिल्कुल ना दें आप, और जो सॉफ्ट फूड के अंदर आप उनको राइस बोल राइस आप उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रोटी होती है वो भिगो के आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ब्रीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा काम होता है भाई बताना, आपको गाइड करना, तो मेरे से जितना हो पाता है मैं आप भाइयों को गाइड करता हूँ, और मेरा यही रहता है कि आप जो मेरे से आप जो जो मैं आप जो मैंने सीखा है वो मैं अपने भाइयों को बताऊँ, मेरे भाइयों को नुकसान बिल्कुल भी ना हो, मेरा यही होता है, ये मेरा मोटिव यही है कि थोड़ा बहुत नुकसान हम झेल लेते हैं जितने भी हम यूट्यूबर जो जो ये सेटअप रख रखा है जिन्होंने जो 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 मेरे यूट्यूबर भाई हैं वो थोड़ा बहुत तो भाई नुकसान झेल ही लेते हैं, लेकिन हमारा यही होता है कि भाई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल भी इससे ना जो नुकसान ना झेलें वो काफ़ी, क्योंकि भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है भाई, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।